ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली, जो कि आज अपन अनबॉक्सिंग करेंगे G29 की। एक डिस्क्लेमर अभी सुन लो, मुझे किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को कैमरे के सामने अनबॉक्स करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो भी तुम देखने वाले हो वो एकदम अनप्रोफेशनल, एकदम रॉ होने वाला है। सबसे पहले तो मैंने इसकी पैकिंग खोली और तुम लोग देख सकते हो भाई, बहुत अच्छी पैकिंग थी। बट जितनी अच्छी पैकिंग थी उतना ही ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था, जो कि मैं एक्साइटेड था इसको अनबॉक्स करने के लिए और लिटरली ये पैकिंग इरिटेट कर रही थी मुझे। और फिर मैंने दिखाई अपनी जिम वाली पावर, गुस्से में इसको अनबॉक्स कर दिया और फाइनली मेरे को अपने प्रोडक्ट का पहला लुक दिखा और मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया और मुझे सोचा कि मैं इसको डायरेक्ट उठा लूंगा अपने हाथों से। फिर मुझे समझ आई नहीं, ये थोड़ा सा भारी है, तो फिर मैंने अपने फ्रेंड की हेल्प ली। और अब तुम लोग देखोगे कि मेरे से पहले इसको कोई ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका है, मतलब जहां से मैंने लिया उस बंदे ने पहले खोल खाल के देख लिया, या फिर जो डिलीवरी वाले भैया थे वो कुछ ज्यादा ही गंदी गाड़ी चलाते थे इसलिए हमको जो प्रोडक्ट मिला वो पहले से खुला हुआ था। अब मुझे बच्चों जैसे तुम लोगों को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इसके अंदर से क्या निकला है, क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी स्मार्ट हो यार, तुम लोगों को पता है कि एक व्हील निकलेगा और पेडल्स निकलेंगे, ऑब्वियसली वो दोनों चीज ही निकलेगी। अब अंदर से डोरेमोन तो निकलने नहीं वाला, तो मैं बच्चों जैसे नहीं बताऊंगा एक एक चीज क्या क्या निकला है। फिर मैंने अपने दोनों प्रोडक्ट को अपने मेन टेबल पे लेके आया, जहाँ पे बैठ के मैं गेमिंग करता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को पूरा इसका इंस्टॉलेशन दिखाता हूँ, पूरा सेटअप दिखाता हूँ। बट जैसे ही मैं दिखाने बैठा ना, मुझे समझ आया कि मुझे खुद कुछ नहीं आता है। लाइक जो चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे नहीं आती, मैं यूट्यूब में देख देख के तो खुद कर रहा हूँ, तो यार जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं तुम लोगों को तो नहीं समझा सकता। इसलिए मैंने कैमरा बंद किया और फिर एक घंटे यूट्यूब में देखा। ये केबल ही नहीं लग रही, क्या है ये? सही जगह तो लगा रहा हूँ यार मैं। नहीं वो उसमें लगा, उसमें लगा, उसमें लगा। और फिर फाइनली बहुत जद्दोजहद करने के बाद हमारा Logitech G92 फाइनली ऑन हो गया। अगर तुम में से किसी को ऐसा लग रहा है कि इस नूब ने व्हील तो ले लिया बट इसको गाड़ी चलाना नहीं आता, तो मैं तुम्हें बता दूं, मुझे आता है। और इसी बात पे एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम लोगों को। तो ये बात है 2020 की, जब मैं और मेरे कुछ प्यारे दोस्त हाईवे पे मेरी गाड़ी का स्पीड टेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत मजा आ रहा होता है, लोग अपने इंस्टा की स्टोरी बना रहे होते हैं, इंस्टा पे लाइव हो रहे होते हैं, फुल फ्लेक्स चल रहा होता है स्पीड का। बट तभी हमारा हो जाता है एक एक्सीडेंट, और भाई एक्सीडेंट में अच्छा खासा डैमेज गाड़ी को भी आता है और अच्छा खासा डैमेज मुझे भी आता है। और जैसे ही मैं होश में आता हूँ ना, 1 hour later, और फिर मुझे पता चलता है कि भाई अब मेरा होने वाला है ऑपरेशन। फिर क्या था, ऑपरेशन होने के बाद हम अपने घर आ जाते हैं टूटे पैर के साथ, और इस टूटे पैर के साथ अराउंड 1 महीने तक रहने के बाद मुझे समझ आता है कि गाड़ी चलाना मुझे फिर भी आता है। तो गाइस चलो अपन पहली बार ट्राई करके देखते हैं व्हील को एक्सपीरियंस कैसा होता है, मैंने इसके पहले कभी नहीं किया। सो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा खासा फीडबैक आ रहा है यार इतनी कम स्पीड में भी। मैं एकदम लाइट फुट रखा हूँ अभी, अब मैं दबा दिया पूरा पंजा। ओके ओके चलो, ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं यार, ये बहुत तगड़ा हिल रहा है। देखो ये देखो, ओए वाओ, हैवी ड्राइविंग हो गई गाइस, ये तो बहुत ज्यादा हैवी हो गई। एक और ट्राई मैंने स्टार्ट धीरे से किया है, मैं ट्राई करूंगा गाड़ी को सीधा से सीधा रखने का। ओके मेरे पास शिफ्टर नहीं है, ऑटोमेटिक है अभी भाई मेरी गाड़ी। देखो अगर सीधी रोड है तो मैं चला ले रहा हूँ, बट कोई भी टर्न आ रहा है ना तो बहुत मुश्किल हो जा रहा है उसको कंट्रोल करना। ओके टर्न आने वाले हैं, ओए ओए यार ये हल्का सा भी हिला होना तो बहुत ज्यादा लाइक फीडबैक दे दे रहा है। ओए सीधी सीधी चलो भाई, पोर्शे भाई मैं या तो इसको तोड़ दूंगा या टेबल तोड़ दूंगा। ओ भाई ये तो मैंने रिपेयरिंग कर लिया, अब दिया मैंने पूरा एक्सीलेटर। लेट्स गो गाइस, बहुत हो गया, बहुत चला लिया बच्चों जैसे, कर लूंगा मैं कंट्रोल। लेट्स गो, ऐसे कैसे नहीं होगी कंट्रोल, हाँ नहीं होगी शायद, ऐसा लग रहा है मेरे नहीं होगी। देखी मेरी ड्राइविंग, डर गए ना? आई नो यार तुम लोग डर गए होंगे, क्योंकि मैं खुद डर गया कि मैं कितनी बुरी गाड़ी चलाता हूँ। बट कोई बात नहीं, मेरा चैलेंज है तुम सबसे, जो बंदे वीडियो देख रहे हैं तुम सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे चाहिए सिर्फ 3 महीने। 3 महीने रुक जाओ, ऐसी ड्राइविंग सीख लूंगा ना मैं इस व्हील में, भाई तुम लोग देख के बिना लाइक किए जा नहीं पाओगे। चैलेंज है चैलेंज।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा बहुत टाइम से ड्रीम था इस व्हील को लेने का, और फाइनली समहाउ मैंने इस व्हील को ले लिया हूँ और अब मैं इससे वीडियोस बनाऊंगा, बहुत मजा आएगा तुम्हें भी और मुझे भी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि अब जो कंटेंट आएगा अपने व्हील के साथ आएगा क्रेजी वीडियोस। इस वीडियो में इतना ही था, कमेंट में मेरी ड्राइविंग के बारे में दो शब्द मुझे जरूर बताते हुए जाना, और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आगे बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। वापस से बोलूंगा सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, मैं मिलूंगा कल एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई एम AFK, आई एम साइनिंग आउट। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा।